नमस्कार दोस्तों, ये महिंद्रा का बोलेरो है M2DI CR, और इसमें डेल्फी का ECM आता है। और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी चालू तो होती है लेकिन रनिंग में बंद हो जाती है, इमोबिलाइज हो जाती है गाड़ी, इंजेक्टर का अंदर फॉल्ट कोड आ जाता है। तो मैंने फाइनली फॉल्ट को मैंने डायग्नोस किया है और मुझे फॉल्ट इस डेल्फी के ECM के अंदर मिला है। तो इस ECM को अपन रिप्लेस करेंगे, दूसरा डालेंगे, साथ में फ्लैशिंग भी करेंगे। और फ्लैशिंग कैसे करते हैं, ECM कैसा चेंज करते हैं, उसके टाइम पे क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसका पूरा डिटेल मैं आप इस वीडियो में आपको दे दूंगा, जिससे आप इजीली आप बोलेरो का ECM महिंद्रा में डाल सकते हैं, महिंद्रा का आप बोलेरो में डाल सकते हैं, तो आपको उसका फ्लैशिंग का आइडिया आ जाएगा। तो ये बोलेरो है और जो ECM है इसमें डेल्फी का 2.5 है। तो अपन आपको मैं पहला स्कैनिंग करते हैं, डायग्नोस करेंगे और बाद में इसको अपन चेंज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये महिंद्रा का बोलेरो है M2DI CR4 और इसमें डेल्फी का ECM आता है, DCM 2.5 डेल्फी ये गाड़ी का लगाया हुआ है। और ये दूसरा है मेरे पास, सेकेंड हैंड लाया। तो इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट होती है उसके बाद स्कैनर के ऊपर एक इंजेक्टर का फॉल्ट कोड जनरेट हो जाता है जैसे भी गाड़ी को स्कैन करेंगे, और गाड़ी कभी कभी इमोबिलाइज हो जाती है और गाड़ी बंद हो जाती है। तो इस फॉल्ट को अपन चेक करेंगे। तो मैंने इसको जो स्कैनर हुकअप कर दिया ऑलरेडी, तो इसको एक बार मैं स्कैन करता हूँ ऑटो स्कैन, और साथ में अपन आज उसका ECM भी मैं कैसा रिप्लेस करते हैं, उसको कैसा फ्लैशिंग करते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आएंगे डायग्नोस में, बोलेरो LX सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, रीड ट्रबल कोड, तो अभी नो ट्रबल कोड है, कोई फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहे, लेकिन अभी गाड़ी को मैं क्रैंकिंग करूंगा, गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी लेकिन एक कुछ टाइम के बाद गाड़ी बंद भी हो जाती है, ऑटोमेटिकली मोबिलाइज हो जाती है। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा रेस में भी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं फॉल्ट कोड चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जो ये जो फॉल्ट कोड है ना, ये बनता है इसके अंदर P02A4 Cylinder 3 इंजेक्टर रिस्ट्रिक्टेड, ये फॉल्ट कोड आता है। तो एक बार इसका अपन ECM चेंज करेंगे, दूसरा ECM लगाता हूँ, इसको फ्लैशिंग भी करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम अपना शॉर्ट आउट हो रहा है कि वो गाड़ी का है ये दूसरा है। ECM को एक बार चेंज करते हैं, मैं अभी अकेला हूँ, वो ECM है, अभी दूसरा लगाएंगे इसमें। दूसरा लगा दिए और यहाँ पे देखेंगे तो जो अपना इंजन का लाइट है ये ब्लिंक कर रहा है। इंजन तो अभी मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा गाड़ी का ECM है, सेकंड लाया हुआ है। तो एक बार इसको मैं फ्लैशिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने इसका नेट भी ऑन रखा हूँ और अभी जाते हैं ऑटो स्कैन, जाएंगे ECU फ्लैशिंग में। और यहाँ पे है आपका, यहाँ पे नेट होना जरूरी है, मैंने इंटरनेट ऑलरेडी दे दिया है उसको, इंटरनेट वाईफाई ऑन है मेरा। और यहाँ पे है ECU फ्लैशिंग, ECU फ्लैशिंग में जाते हैं, जाएंगे डेल्फी DCM 2.5 और यहाँ पे विन नंबर डालेंगे। तो विन नंबर ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, तो इसमें इनपुट करते हैं, यहाँ पे लिखा है, डालते हैं इसमें
एम, तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, 17 डिजिट का ये चेसी नंबर है। ओके करते हैं। अभी मॉडल नंबर डालने के लिए बोल रहे हैं, वो भी डालते हैं। तो मैंने मॉडल नंबर भी डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट मार के निकाला था पिन नंबर का और मॉडल नंबर का। तो मॉडल नंबर ओके करते हैं इसको। और यहाँ पे उसने 3 ऑप्शन दिया, तो ये अपना ऊपर का है, महिंद्रा बोलेरो M2DI। तो ये अपना महिंद्रा बोलेरो M2DI CR फर्स्ट वाला है, तो उसको ओके करते हैं। ये अपना बोलेरो है, बोलेरो M2DI CR है अपना। ये अपना BS4 है, ओके, विदाउट स्पीड लिमिटर, ओके। और ये अपना विदाउट AC है, विथ AC ये अलग अलग है, ZLX। तो लेकिन ये अपना फर्स्ट वाला है, बोलोरो BS4 SLX LX वगैरह है ना, AX विदाउट AC। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि AC नहीं है इसके अंदर, है हैक्स आ गया उसका। ओके करते हैं। और यहाँ पे अपन ओके करेंगे, ओके करते हैं। लोडिंग फाइल, ये डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया, ओके करते हैं। और ये एरियस फ्लैश ओके, और ये फ्लैशिंग अपना स्टार्ट हो गया। और जैसा ही अपना फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 160 लिख के आ गया डैशबोर्ड के ऊपर, 160 लिख के आ रहा है। तो फ्लैशिंग के टाइम पे आता ही है। और बाकी का लाइट भी ऐसे चला गया, ये चेक लाइट थी इंजन की, ये फ्लैशिंग के टाइम पे होता है। तो फ्लैशिंग के लिए अभी थोड़ा टाइम जाएगा, तो तब तक मैं थोड़ा वॉच करता हूँ, और जैसे अभी फ्लैशिंग कंप्लीट होने को आएगा, मैं आपको वापस कंटिन्यू करूँगा। इतना फ्लैशिंग चालू है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है, और आप कहाँ पे गलती करती है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, कि आप स्टेप बाय स्टेप जैसे भी आप उसका जो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये काम इजीली हो जाता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। DLP में थोड़ा सा एक और एक चीज़ हटके है, वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे जाके। सबके आपका जो इंटरनेट है ये प्रॉपर होना चाहिए, आपका नेट ऑन होना चाहिए। और ये गाड़ी का है ना, ये विदाउट AC है, इसलिए मैंने विदाउट AC सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये गाड़ी में AC नहीं है, उसमें विद AC विदाउट AC ऐसे दोनों ऑप्शन आएंगे। तो ये ऑलमोस्ट इसका हेक्स फाइल पूरा होने के लिए आ गया, ये फिनिश हो जाएगा अभी, ये मैसेज सेट ओके, फ्लैशिंग कंप्लीट, हर्टिंग विन स्टार्ट, EMS फ्लैशिंग कंप्लीट, ओके करते। जैसा भी मैं यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट आ गया, तो यहाँ का जो 160 आया था वो हट गया, और वापस इसका चेक लाइट भी प्रॉपर आ गया, और इंजन का जो साइन है जो ब्लिंक कर रहा है वो भी आ गया। ठीक है, तो इसको मैं ओके करता हूँ, ओके। और अभी इसका अपन करेंगे है इमो सिंक, तो मैं इग्निशन स्विच को ऑफ करता हूँ, एक बार ऑफ किया। इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, और
इसका जो चेक लाइट आ रहा था वो बंद हो गया, लेकिन इसका एक बार मैं चेक करता हूँ डायग्नोस में। बोलेरो जाएंगे एलेक्स में, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट। अभी ये बहुत सारे फॉल्ट आ रहे हैं, इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करेंगे सक्सेसफुली, नो ट्रबल कोड। जाते स्पेशल फंक्शन की प्रोग्रामिंग, एग्री, महिंद्रा। ओल्ड सॉफ्टवेयर में पहला करके देखते हैं, इमोबिलाइजर ऑटो आइडेंटिफाई। इंसर्ट द की, इग्निशन स्विच ऑन है अपना। पहला क्लियर ट्रबल कोड करते हैं, क्लियर इमोड ट्रबल कोड सक्सेसफुली, क्लियर ईएमएस ट्रबल कोड सक्सेसफुली, अनलॉक डेल्फीसियम सक्सेसफुली। ओके हो गया। और अभी करते हैं इमो सिंक, वैलेट वन की एक ही चाबी है मेरे पास। प्रोग्राम सक्सेसफुली, प्लीज इग्निशन स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहा है 2 मिनट के लिए। इसको ओपन ऑफ करते हैं। ओके इग्निशन स्विच को मैं ऑन करता हूँ। ऑन किया, इंजन का जो ब्लिंक कर रहा था वो चला गया। और गाड़ी को इसको मैं हल्का क्रैंक करूंगा और छोड़ दूंगा। मैं हल्का क्रैंक करता हूँ, छोड़ दूंगा, वापस बंद करूंगा फुल, और वापस इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, अपनी गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई। और कोई यहाँ पे चेक लाइट कोई एरर नहीं है। और जो पहला इंजेक्टर का जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। और साथ में ये पहला अपना जूना वाला ईसीएम है, बाद में अपन ने दूसरा ईसीएम डाला बेल्टी। डीसीएम 2.5 अपने फ्लैशिंग अपना सक्सेस हो गया। और अभी फॉल्ट कोड भी दिखा देता हूँ, इसमें देखते हैं इंजेक्टर का फॉल्ट कोड आ रहा है क्या। तो रेड ट्रबल कोड और नो ट्रबल कोड। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वर्क डन।